देखिए राजीव जी, ये बात पूरी की पूरी उल्टी पड़ रही है मोदी जी को। वो कैसे उल्टी पड़ रही है मैं बताता हूं। लेकिन पहले तो कांग्रेस ने, आज जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है, और वो बड़े वकील हैं, कोई बात हल्के में नहीं करेंगे। उन्होंने एक गहरी तैयारी, कांग्रेस की कानूनी तैयारी की तरफ इशारा किया है। जाहिर सी बात है कि उनको कहीं से कोई आश्वासन है, कोई उनकी रणनीति है, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। तो ये बयान देने वाले आज नहीं कल मुश्किल में पड़ेंगे। मैंने अभी कह दिया कि बयान, ये बयान नहीं राजीव जी, ये कोरी धमकियां हैं और आपराधिक हैं, और इनके, इन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। किसी को कोई धमकी देना कि तुमको जान से मार देंगे, ये सलाखों में किसी को ले जाने के लिए काफी है, और खासकर ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। जिम्मेदारी इसमें लोकसभा स्पीकर की भी है, क्योंकि उनके सदस्य को धमकी दी जा रही, जान से मारने की, जबान काटने की, शारीरिक हानि पहुंचाने की। लेकिन जरा इसकी राजनीति में आए, इसके राजनीति के राजीव जी दो पहलू हैं। एक तो हम लोगों ने लगातार चर्चा की है यहाँ पे पिछले 3-4 दिन में, जब से ही धमकियाँ शुरू हुई आना, कि एक लिंच मॉब तैयार करने का काम हो रहा है। ये कोई रैंडम बयान नहीं है, ये एक के बाद एक बयान, एक ही तरीके की भाषा में आए हैं। तो इन लोगों को कोई सपना नहीं आ गया कि चारों पांचों लोग अलग अलग शहरों में ये बयान दें। ये कहीं से संचालित होते हुए दिखाई देते हैं, पहली बात। ये सुनियोजित है, इसको कांग्रेस ने भी कहा कि ये प्लान्ड है, और इसके पूरा पूरी संभावना है कि ये सुनियोजित है और कंट्रोल्ड है कहीं से। अब इसकी योजना क्या है? एक तो है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक लिंच मॉब तैयार हो जाए, वो डर जाए, वो बोलना बंद कर दें। दूसरा उसका जो राजनीतिक मतलब है वो सिंपल सा ये है राजीव जी, कि जातिवाद, जनगणना और आरक्षण के 50% की सीलिंग का जो नैरेटिव है वो भारी पड़ रहा है, और उसके इंडिकेशन इनको हरियाणा से आ रहे हैं। उस वजह से ज्यादा बेचैनी है। और दूसरा, राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं और उसका असर हो रहा है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी खत्म हो चुका, वो हिस्ट्री है, 56 इंच की कहानी गुजर गई। ये जो कहा नरेंद्र मोदी ने कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसी रेफरेंस में कहा कि खत्म हो चुका है 56 इंच, कोई ब्रांड मोदी अब नहीं बचा है, ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, उसकी बेचैनी है। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन से, खासकर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद, नरेंद्र मोदी बड़े अग्रेसिव हो गए हैं। उनको अचानक से अपना ब्रांड रिवाइव करने की जो है वो दिखाई दे रही है कि आवश्यकता है, बहुत अर्जेंट आवश्यकता है। और ब्रांड रिवाइव कैसे कर रहे हैं? नफरती भाषणों से। अब ये जो 5-6 लोग जो ये धमकियां दे रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही हैं राजीव जी। जी एक, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस यूनाइट हो रही है, और ज्यादा कांग्रेस का वर्कर सड़क पे आ रहा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ रही है। और दूसरा, एक और चीज हो रही है, राहुल गांधी के कुछ बयानों को लेकर बीजेपी ने और इनके आईटी सेल ने आलू सोना वाला प्रयोग किया, यानी वीडियो को तोड़ मरोड़ करके उसको आरक्षण विरोधी करने का काम किया काम। और उसका मीडिया ने भी, इन्हीं के मीडिया ने उसको उछाला भी, एक बीजेपी को उसका श्रोता वर्ग मिल रहा था, उस थ्योरी को। कांग्रेस भी थोड़ा सा डिफेंसिव थी, और अब देखिए वो सब बातें खत्म हो गई।
इन बयानों ने क्या किया कि न्यूज का एजेंडा ही बदल दिया, जो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्बो रूम, मिल रहा था, जगह मिल रही थी घुसने की उस नैरेटिव में, आरक्षण के नैरेटिव में, आलू सोना के वीडियो के जरिए ही सही, लेकिन मिल रही थी क्योंकि मीडिया का सपोर्ट था। अब वो खत्म हो गया, खुद ही इन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई बहुत क्लेवर स्ट्रेटजी नहीं है ये, क्योंकि ये चलने वाली नहीं है। आप किसी को जान से मारने की धमकी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कब तक बना सकते हैं? ये कोई रणनीति है? तो बीजेपी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में इसमें बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से वापस लौट के फिर आप उस आलू सोना के वीडियो में जाएंगे तो संभव नहीं होगा, वो तो चिकल निकल गया। तो एक जो राहुल गांधी के खिलाफ एक मौका मिल गया था बीजेपी को, जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिल भी रहा था, वो खुद उन्होंने खत्म कर दिया। अब एक सवाल, मेरा सवाल जो है वो बीजेपी से, तो कल हम लोगों ने पॉडकास्ट किया और इस पर बहुत लंबी चर्चा की हम लोगों ने जी, लेकिन एक सवाल बीजेपी की खामोशी पे, और बीजेपी से ज्यादा ये सवाल टीडीपी और जेडीयू की खामोशी पर भी है। क्या राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियों पे आप साथ में हैं? और अगर आप साथ में नहीं है तो आपकी पोजीशन क्या है? इतना बड़ा अगर कोई इस, और कोई एक दो बयान नहीं है, कोई छोटे मोटे नेताओं के बयान नहीं, मंत्री स्तर के बयान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बयान है, और बयान नहीं धमकियां हैं, उस पर अगर टीडीपी और जेडीयू नहीं साथ में है, और इसमें भी बीजेपी के साथ है अगर वो, तो उनको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं उनकी राजनीति के लिए। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू यानी नीतीश कुमार, ये दोनों क्या सोचते हैं राहुल गांधी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ऐसे धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें जान से मारने की धमकियां रिपीटेडली बिल्कुल रिपीट किए जा रहे हैं। संजय गायकवाड़ ने दो दिन पहले जीभ काटने की बात कही, आज कांग्रेस के कुत्ते कह रहे हैं, तो ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? उसी तरह अनिल भोंडे जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने देख लिया, वो जीभ दागने यानी जलाने की बात कर रहे हैं। और बाकी उधर रघुराज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, वो आतंकी कह रहे हैं, आतंकी मारवा भी कह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बातें कह रहे हैं, देश से निकाल देना चाहिए, मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, ऐसी बातें करने वाले लोगों के साथ हैं क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू? अगर बीजेपी नहीं कुछ बोल रही है तो क्या ये दोनों, इनका स्टैंड भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन विपक्ष किसके साथ है किसके साथ नहीं है? एमके स्टालिन का बयान अभी ट्वीट के जरिए आया है, जरा उसको देख लेते हैं और सीधा हेमंत जी आपके पास आता हूं। एमके स्टालिन सीएम हैं तमिलनाडु के, लिख रहे हैं मीडिया में आई खबरों से गहरा सदमा लगा है कि भाजपा नेता